धर्मराज जी का है और उसके जस्ट बिल्कुल सामने चित्रगुप्त की एक जगह बनी हुई है, जैसा कि ये सामने देख रहे हो। यहाँ पर बोलते हैं अगर कोई भी मर जाता ना तो उसकी आत्मा सबसे पहले यहाँ आती है और उसका सारा लेखा जोखा यहीं पे होता है। अगर जिंदा रहते हुए नहीं आया तो उसे मौत के बाद उसकी आत्मा को यहाँ पर जरूर आना पड़ेगा। यहीं आने के बाद उसके पाप और पुण्य दोनों का फैसला करके उसे स्वर्ग और नरक में भेजा जाता है। राम राम जी, अभी हम हैं बरमोर में। बरमोर से लगभग 15 किलोमीटर आगे है हरसर गांव, जहां से ना मणि महेश कैलाश की ट्रैकिंग शुरू होती है, जो कि 13 किलोमीटर के, 13.5 किलोमीटर की वो करके आए हम। तो आज यहां पे ना बता रहे थे कि 84 मंदिर हैं एक साथ, तो वो देखने के लिए आए हुए थे। यहां पे ना आप चारों तरफ देख सकते हो कि चारों तरफ मंदिर है। इसमें जो सबसे पहले मंदिर है ना, ये जो नरसिंह टेम्पल बोलते हैं, ये है नरसिंह जी का टेम्पल। नरसिंह जी का टेम्पल है, इसके बिल्कुल जस्ट बगल में धर्मराज जी का है और उसके जस्ट बिल्कुल सामने चित्रगुप्त की एक जगह बनी हुई है, जैसा कि ये सामने देख रहे हो। यहाँ पर बोलते हैं अगर कोई भी मर जाता ना तो उसकी आत्मा सबसे पहले यहाँ आती है और उसका सारा लेखा जोखा यहीं पे होता है। इसी मंदिर में अगर जिंदा रहते हुए नहीं आया तो उसे मौत के बाद उसकी आत्मा को यहाँ पर जरूर आना पड़ेगा। यहीं आने के बाद उसके पाप और पुण्य दोनों का फैसला करके उसे स्वर्ग और नरक में भेजा जाता है। राम राम जी, आज अपनी यात्रा का पांचवा दिन है और अभी हम जा रहे हैं बरमोर से चंबा की तरफ। पिछले 4-5 दिन से हम यहीं पे थे। पहले दिन डायरेक्ट हम 740 किलोमीटर बाइक राइड करके बरमोर पहुंच चुके थे, फिर हमें 3 दिन ट्रैकिंग करने में लगे। लो भाई, ये है पहाड़ी ढाबा दरवाला, ये सामने। बहुत बढ़िया खाना देते भाई, बहुत बढ़िया। इसमें पहले चावल है, ये दाल है, ये पनीर है, ये भाई दही है और ये भिंडी है जो कि मेरी फेवरेट है, और उसके बाद ये सलाद और रोटी है। 3-4 दिन पहले हम गए ना, तब यहाँ पे रात में खाना खाया था, ज़बरदस्त खाना लगा। उसके बाद आज हम सुबह चले, वहाँ पे हमने खाना नहीं खाया। और चंबा में जाना है, यहाँ से लगभग आधा पौना घंटा लगेगा। वहाँ पे भी नहीं प्लान किया क्योंकि यहाँ पे खाना ज़बरदस्त और बिल्कुल सस्ता था, 100 रुपये की प्लेट है। नहीं, और कहीं जगह जाओगे ना आप तो महंगी मिलेगी। क्या हो गया भाई जी? अच्छो देखेगा चल। यहाँ पे किसी की डेथ हो गई भाई, जैसे अपने वहाँ लेके जाते हैं ना सेम ऐसे ही लेके जा रहे हैं, वैसे ही लकड़ी सब कुछ सेम है अपने इस तरफ। लो भाई, पहुँच चुके हैं चंबा। अभी चंबा में 4-5 मंदिर हैं, जैसे चामुंडा देवी होगी, हरि राय हो गया, एक दो मंदिर और हैं तो वे देखते हैं। और ये साइड में आप पार्क देख रहे हो, यहाँ पे कैंपिंग करेंगे या फिर खचियार में, देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा चांस मुझे यहीं के लग रहे हैं कि यहाँ पे करेंगे। इधर लक्ष्मीनारायण मंदिर जाना है जी, ये नो एंट्री का लिख रखा है। अच्छा, बड़ी गाड़ियों के लिए नो एंट्री, ठीक है, बाइक के लिए ठीक है।
और एक हरी राय मंदिर। हरी राय मंदिर तो ये भैया वापस वापस आओगे ना, हाँ सीधा आपने आगे चले जाना, दिल्ली गेट होगा, बड़ा गेट है लाल कलर का, उसके साथ ही हरी राय ठीक है। और फिर चामुंडा मंदिर उधर, चामुंडा मंदिर तो आगे से जाओगे, ठीक है जाओगे, ठीक है। थैंक यू सर। उतरी चंबा में सभी मंदिरों में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, कहीं भी कोई भी भीड़ नहीं थी। अभी जा रहे हैं हम बाइक की सर्विस करवाने। लो भाई, चंबा में बाइक की सर्विस हो गई है। तेल मैं अपना घर से लेके आया था, जब लास्ट टाइम सर्विस करवाई थी ना वहीं से अपना तेल लेके आया था। यहाँ पे 200 रुपये सर्विस चार्ज लगा है, 100 रुपये का फिल्टर चेंज हुआ है और 50 रुपये में धुलवाई है, तो 350 रुपये में बाइक तैयार हो गई है। अभी आगे की राइड के लिए तैयार है, जैसे सच पास, उसके बाद जंस्कार वैली, लद्दाख, सियाचिन बेस कैंप कुछ ऐसा है। तो चलो मिलते हैं वापस आपको रोड पे। अभी हम जा रहे हैं खजियार, 500 रुपये का बाइक में तेल डलवा दिया क्योंकि रिजर्व में लगी हुई थी। आज का अपना प्लान है खजियार में कैंपिंग करने का, तो अभी खजियार के लिए जा रहा हूँ भाई। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है, जिसमें गूगल महाराज 1 घंटा 3 मिनट दिखा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं 1.25 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। चंबा में जो मेन मंदिर थे वे सारे घूम लिए, 4-5 मंदिर थे, उसके बाद ऐसा कुछ खास है नहीं। और यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लगेगी मुझे लग रहा है, और खजियार पे इससे ज़्यादा ठंड मिलेगी, और खजियार इसी बहाने देखा भी जाएगा। तो अभी वापस जा रहा हूँ खजियार के लिए। सुल्तानपुर से ना एक अलग रास्ता हो रहा है, अगर डायरेक्ट चले जाओगे तो सीधा चला जाएगा पठानकोट की तरफ, और अगर उसके पे आप लेफ्ट हैंड को ले लोगे तो ये थोड़ी सी चढ़ाई शुरू होती है स्टार्टिंग में ही। जो जाएगी पहले खजियार जाएगी, उसके बाद एक जोत जंग है, उसके बाद जाएगा डलहौजी, और फिर वापस पठानकोट निकलेगा। ये भी दोनों रास्ते हैं, ये दोनों ठीक हैं, लेकिन हाईवे वो दूसरे वाला है अगर आप पठानकोट से डायरेक्ट चंबा जा रहे हो तो। बाकी आप दोनों रास्तों से किसी पे भी जा सकते हो। डलहौजी 29, खजियार 7, चुवाड़ी जोत सामने है और खजियार इस तरफ 7 किलोमीटर। खजियार 7, डलहौजी 35, बनी खेत 41। लो भाई 7 किलोमीटर रह गया, और थोड़ी थोड़ी ना सर्दी भी लगने लग गई है क्योंकि मैंने इनर नहीं पहन रखा, तो ऊपर तो जैकेट पहन रखी बढ़िया वाली, उसमें तो कोई ठंड लग नहीं रही, लेकिन नीचे ना इनर नहीं पहन रखा, तो थोड़ी थोड़ी ठंडी महसूस होने लगी है, नहीं कि कपा रहा हूँ ऐसी कुछ बात है, बस थोड़ी सी महसूस होने लगी जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। वो इसीलिए मैं ऊपर आया हूँ क्योंकि यहाँ कैंपिंग में मज़ा आ जाएगा। रास्ते ठीक हैं, अच्छे बने हुए हैं, मोस्टली बने हुए हैं, कुछ कुछ पे जैसे ये पॉइंट आ गया बस ऐसे छोटे छोटे नहीं बने हुए, बाकी सारे बने हुए हैं, लेकिन सिंगल रास्ता है। अगर कई बंद दो बड़ी गाड़ी आ गई या बस आ गई ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, बाकी तो ठीक है रोड। तो भाई चंबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री कर दी है। यहाँ पर ना गाड़ी आती है या बस आती ना, उनका चार्ज लगता, कितने रुपए की पर्ची कटती मुझे नहीं पता, लेकिन बाइक की कोई पर्ची नहीं कटी। लो भाई खजियार का जो मेन बस स्टैंड है वो 2 किलोमीटर यहाँ से, और सबसे पहले आता है इस रोड पे जगदम्बे मंदिर खजियार का। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है बस स्टैंड, पता नहीं गाड़ी इतनी क्यों रुकी हुई है, पहले क्या सीन, समझ में नहीं आ रहा यार, बहुत बंदे रुके हुए हैं, हरियाणा भी, पंजाब भी, हिमाचल भी, बहुत बंदे, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे या तो कैंपिंग वाले रुके हुए हैं, क्योंकि एक जगह मैंने कैंपिंग के देखे थे बहुत सारे बंदे, जैसे अभी ये देखो। और आसपास ऐसा कुछ पॉइंट भी नहीं दिख रहा, पंजाब नंबर था ये, जम्मू कश्मीर नंबर है, गई फिर यहाँ पे रुकी हुई है बहुत सारी, या तो फिर वहाँ आगे जाके ना पार्किंग नहीं होगी इसलिए।
देखते हैं जो भी होगा। लो भाई जबरदस्त ग्राउंड दिख रहा है, खजियार। राम राम जी, पहुंच चुके हैं खजियार। चंबा से 20 से 25 किलोमीटर था जिसमें एक घंटा 10-15 मिनट लग गई। तो अभी खजियार पहुंचने के बाद यहां पर एक ही चीज़ है देखने के लिए। सबसे पहले तो एक मंदिर था, उस मंदिर के बाद बाहर ऐसी कुछ मार्केट है और ये एक मेन गेट है। वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड। ये भाई पूरा बड़ा गार्डन टाइप बना रखा है ये, और यहाँ पे ना एक थोड़ी सी है जैसे ये बना रखी चलने के लिए। पूरा जितना भी बड़ा ग्राउंड है ना, इस पूरे ग्राउंड के चारों तरफ ये बना रखी है, तो आप इस पे घूम सकते हो। और इसके बिल्कुल बीचों बीच एक लेक बना रखी है जिसे खजियार लेक बोलते हैं, और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है बिल्कुल वहाँ पे कोने पे लास्ट में। यहीं पे साइड में होटल्स हैं, वहाँ पे सामने है एक फॉरेस्ट ऑफिस, वहाँ पे पूछते एक बार कैंपिंग के लिए। बाकी लोकेशन जबरदस्त है। ये मेरे पीछे भाई फोर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे परमिशन लेने के आए थे लेकिन दी नहीं परमिशन। सामने खजियार लेक है। लो भाई खजियार आ गए हैं। यहाँ पे बस देखने के लिए एक ये बाग टाइप से बना रखा है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड नाम दे रखा है। बाहर से अगर एंट्री करते हो ना तब मेन गेट पे लिखा हुआ मिनी स्विट्जरलैंड। इसके अंदर आपको ये पूरा बाग टाइप में देखने मिलेगा, मतलब गार्डन की तरफ से। और इसके बिल्कुल बीचों बीच एक लेक बना रखी है, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें बना रखी हैं, कहीं खाने की कहीं वैसे। एक दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ना हिमाचल की ड्रेस पहना के उनके फ़ोटो ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट है। खाने के लिए यहाँ पे है, देखो जैसे यहाँ पे ड्रेस पहना रखी। लो भाई बॉम्बे चंबा में ही आ गए हैं, वहाँ पे कैंपिंग की अच्छी कोई लोकेशन मिली नहीं। हम यहाँ पे ना दो पार्क दिन में देखा था ना, वहीं पे कैंपिंग करने की सलाह है। उससे पहले एक बार खाना खा लेते हैं, तो आप लोगों को खाना दिखाते हैं। ये थाली है 80 रुपये की, इसमें चावल है, दाल है, भिंडी है, और ये दही की बनाई हुई है। ये सलाद के तौर पर ये दे रखा, और अलग से रोटी है। चलो खाना खाते हैं।